प्रदीप ने बनाई है आज, बहुत ही ज़बरदस्त सी है कैरेमल खीर। आप भी बनाएं और इसको एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार सी और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। आप इसको खा के बिल्कुल रबड़ी का आपको जायका आएगा कि आपने शायद रबड़ी खीर बना ली है। वीडियो देखिएगा एंड तक, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए मैं आपको चख के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत हर चीज़ परफेक्ट बनी है इसमें। कुछ भी आपको कमी नहीं लगेगी, ना ज़्यादा लगेगा। चावल का रेशो और मीठे का बिल्कुल परफेक्ट है। बनाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली फूड्स विद ज़ेब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाते हैं झटपट सी खीर, कैरमल खीर बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी वे में। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर, मैंने डेयरी का मिल्क लिया है, यानी फ्रेश मिल्क है इसमें। और इसमें हम ऐड करेंगे ये 60 ग्राम राइस हैं, ये मैंने बासमती राइस लिए थे। इनको थोड़ा सा यानी 2-2.5 घंटे के करीब भिगो के और फिर इनको थोड़ा सा तोड़ लिया है, तो ये इस पोजिशन में आ गए हैं। अगर आप चाहें तो टोटा चावल भी यूज़ कर सकते हैं। और बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने राइस जो हमने सोक किए हुए थे, और सारे डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे राइस के हिसाब से, क्योंकि राइस ने फूलना है इसमें। चावल जा चुके हैं इसके अंदर, बस अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब पानी, ताकि चावल अच्छे से फूल जाए दूध के अंदर। ये बहुत ही ज़बरदस्त कैरमल खीर बना रहे हैं हम। और इससे पहले मैं आपको ज़ाफ़रानी खीर बता चुकी हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी। मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। और ये जो कैरमल खीर है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट जो उसकी मेजरमेंट है उसके साथ बना रही हूँ। 1 लीटर दूध में 60 ग्राम इसमें चावल जाएंगे, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से चाहें तो 200 ग्राम, अगर आप ज़्यादा खाते हैं शुगर तो 200 ग्राम ले सकते हैं, वरना तकरीबन 150 ग्राम भी बिल्कुल सेट रहती है नॉर्मल शुगर खाने वालों के लिए। तो चलें इसको हम करते हैं ट्रांसफ़र दूसरे चूल्हे पर, और इसको हम चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, ताकि चावल नीचे लग ना जाए। और हम कैरेमल तैयार करते हैं ज़बरदस्त सा। चावल भी नरम हो गए हैं और आप देखें कलर भी माशाल्लाह से बड़ा प्यारा हो गया है दूध का हमारे। अब बस इस स्टेज पे हम डालेंगे, ये मैंने दो जो है छोटी इलायचियाँ खोल के रखी हैं। अगर आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ भी पाउडर डाल सकते हैं छोटी इलायचियों का, मैं इसमें साबुती यानी तोड़ के डालती हूँ। चलिए अब इसको रखते हैं साइड पर, ताकि अच्छा सा पक जाए, और हम कैरेमल तैयार करते हैं इसके लिए। चलिए हम कैरेमल तैयार कर रहे हैं, उसके लिए लिया है हमने 200 ग्राम चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी यूज़ कर सकते हैं, जितना मीठा आपके यहाँ खाया जाता है। और इसको हम ज़रा सा थोड़ा सा हम इसको लेवल में करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 1/3 कप पानी। इस तरह हम बनाएंगे इसमें कैरेमल, और इसको बिल्कुल भी अभी नहीं हिलाएंगे, बिल्कुल स्लो आँच पर हम इसको पकने देंगे, ताकि हमारा कैरेमल जो है बहुत प्यारे से कलर का रेडी हो। ये देखें मेल्ट होनी शुरू हो गई है हमारी, बस इसको बिल्कुल स्लो आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है, ताकि हमारा कैरेमल जो है बहुत अच्छा सा रेडी हो जाए। और आप इसके लुक देख रहे होंगे, चीनी ने मेल्ट होना शुरू कर दिया है, लाइट गोल्डन सा हमारा कैरेमल रेडी हो चुका है। अब मुझे बस इसी पोजीशन में रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा फिर खीर में ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा डार्क भी इसको रख के और कर सकते हैं इसको। चलिए अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं, बस मैं इस पोजीशन पे इसको उतार रही हूँ। आपको कलर लग रहा होगा लाइट गोल्डन सा, बस अब हम इसको डालेंगे अपने दूध और चावल वाले बैटर में। चलिए मैं डाल रही हूँ इसमें, और ये तकरीबन 200 ग्राम शुगर का हमने बनाया था कैरेमल, बस सारा अब इसमें डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। इसके लिए ड्राई फ्रूट आप अपने इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ थोड़े से बादाम, थोड़े से गार्निशिंग के लिए रखूंगी। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डेजिकेटेड कोकोनट लिया है, अच्छा सा मिलाएंगे, थोड़ा सा गार्निश में रखेंगे इसको। तो आप कलर देख रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है। थोड़ा सा और पकाएंगे तो ये हमारी खीर माशाल्लाह से रेडी है। चलिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खीर रेडी हो चुकी है, कैरेमल खीर। और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, मैं आपको उसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारी कैरेमल खीर जो है वो तैयार है बिल्कुल, बस इसको हम रखेंगे अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे, ताकि थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, फिर हम इसको रखेंगे फ्रिज में। तो मिलते हैं आपसे 3-4 घंटे के बाद, जब तक ये अच्छी सी हमारी चिल्ड हो जाती है, फिर हम दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली में और रिलेटिव्स में। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ वक्त पर देखने को मिले। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कैरेमल खीर तैयार है, मैं आपको इसको लुक दिखाऊँ इसका, बहुत ही मज़ेदार और आपको ज़बरदस्त सी ये खीर मिलने वाली है।
चलिए आपको लुक दिखाऊं, बिल्कुल ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी। आप सर्व करें इसको अपनी दावत में, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। टेस्ट में बिल्कुल आपको ऐसी लगेगी जैसे आपने रबड़ी खीर बनाई हो। फिर मुझे बताइएगा आपको कि कैसी लगी वीडियो, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।